जो उत्तराखंड रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी की बात है, अभी प्रधानमंत्री जी ने जब वहां विजिट करी थी, केंद्र सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए उत्तराखंड के डेवलपमेंट के लिए और रिकंस्ट्रक्शन के देने के लिए घोषणा भी करी थी। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि वर्ल्ड बैंक और एडीबी को भी कहा जा रहा है कि उनकी टीम से यहां पर आए और एसेस करें जो डैमेज हुआ है और रिहैबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन के लिए पैसा दें। तो ये सबके सब पैसे का और रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी, रिकंस्ट्रक्शन और रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी एक नोडल अथॉरिटी और एजेंसी बन जाएगी और वो नोडल एजेंसी और अथॉरिटी इस उत्तराखंड के इस समय पे रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए कार्य करेगी। कोई भी राज्य सरकार इसको देखेगी, उत्तराखंड की सरकार इसको देखेगी और रिहैबिलिटेशन ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अथॉरिटी होगी। जो भी पैसा आएगा, जहां से आएगा, हम राज्य सरकारों से भी, उत्तराखंड की सरकार, जो भी पैसा आएगी, जो केंद्र सरकार की तरफ से आया है, जो वर्ल्ड बैंक और एडीबी से आया है, ये अथॉरिटी इन सब चीजों को देखेगी और जो भी कार्य डेवलपमेंट वहां पे होगा वो राज्य सरकार के अधीन होना चाहिए।